सावन का महीना भगवान शिव जी का प्रिय महीना है और इस पूरे महीने भगवान शिव जी की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। बता दें, शिव भक्तों के लिए इस साल सावन का महीना बहुत खास रहने वाला है, जिसमें शिव जी की दोगुनी कृपा बरसेगी। दरअसल इस साल अधिक मास पड़ने के कारण सावन एक नहीं बल्कि दो महीने का होगा और 8 सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। आपको बता दें, ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे 19 साल बाद बना है, जिसमें सावन पूरे 59 दिन का होगा। आइए जानते हैं सावन महीने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इस साल सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और 31 अगस्त को इसका समापन होगा। सावन महीने में इस साल पूरे 59 दिनों तक भगवान शिव की उपासना की जाएगी। बता दें, अधिक मास लगने के कारण इस साल सावन 2 महीने का होगा। इसमें अधिक मास की अवधि 18 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी। कई लोग पूछते हैं, सावन महीने का आखिर इतना महत्व क्यों है? आइए जानते हैं। दरअसल सावन वे महीना होता है जिसमें शिव भक्त भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। सावन में पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि सावन में किए गए पूजा व्रत से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खासकर सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। वहीं आपको बता दें, सावन को शिव जी का प्रिय महीना कहा जाता है। इसे लेकर ऐसी पौराणिक और धार्मिक मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई हजार वर्षों तक श्रापित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उनका जन्म हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन में कठोर तप किए। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न हुए और पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही एक मान्यता ये भी है कि सावन में भगवान शिव कैलाश छोड़कर धरती पर निवास करते हैं। सावन में शिव जी धरती पर आकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इन्हीं कारणों से सावन माह का महत्व और भी बढ़ जाता है।